अबे तुम बहुत क्राइम तो कभी कभी करना पड़ जाता है क्योंकि लोग ना बहुत शरीफ समझ रहे हैं। लो जी अपना देसी खाना रेडी है, चूरमा दूध दूध चूरमा। ये तो यूट्यूब पे सब व्यूज के लिए चलते हैं। जिस दिन हमने कुर्ते जामे में किस का डेट लिया, जब आप गेस करके बताओ। अरे भाई का भाई किसका भाई है। हेलो जी वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मिस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई आज तो मेरी खुशी का ठिकाना बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है मतलब हम सातवें आसमान पे हैं। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। हाँ बस ये है, पिछले एक दो वीडियो से भाई आप देख रहे होंगे कि मेरी गाड़ी के अंदर जान ही नहीं थी, पता है, क्योंकि छोटी सी वायर ना हल्की सी वो गर्म होके जहाँ पे टच हो गया ना छिलकी एंड बिल्कुल इतू सी हो रखी थी भाई। एंड भाई फिर वहां से अर्थिंग बन गई, देन फिर वो अर्थिंग का साइन वगैरह का सेंसर आ गया था, इसके इंजन की लाइट आ गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आपको वहां से पूरी डिटेल पता लग जाएगी कि कैसे दिक्कत आई थी और कैसे हमने उसको सॉर्ट आउट कर। उसके बाद भाई भाइयों ने मुझे दिए जबरदस्त कमेंट, विक्रम भाई टाटा ले लो, विक्रम भाई हैरियर ले लो, विक्रम भाई टोयोटा ले लो। टाटा की गाड़ियां बहुत अच्छी है, नो डाउट, मैंने टाटा की बहुत गाड़ियां रखी हैं, लेकिन जो टाटा की सर्विस है ना भाई उससे मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूं। हालांकि महिंद्रा से भी नहीं हूं, लेकिन महिंद्रा की सर्विस ना थोड़ी सी टाटा से तो बेटर है। गाड़ियां टाटा की थोड़ी सी बेटर है, मतलब अगर आप सेंसर वाइज देखें तो उनके सेंसर थोड़े से बेटर हैं और सर्विस जो है वो महिंद्रा की थोड़ी सी अपर हैंड है एज कम्पेयर अगर हम टाटा से कंपेयर करें तो टाटा तो भाई अभी नहीं लूंगा। दूसरा मेरे को उसके अंदर भाई 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो बीच में मैंने टाटा हैरियर ली थी, काफी लोगों का ये भी सवाल था कि विक्रम भाई आप जब 4x4 रखते हो तो आपने भाई बीच में हैरियर क्यों ली। भाई उस टाइम मेरे पास ना ऑप्शन नहीं था, मुझे ये पता था कि हाँ एक साल बाद मेरी गाड़ी ये स्कॉर्पियो एन आ जाएगी या 5.3 जब तक आएगी। 5.3 डिले होगी ना क्योंकि कोविड करके सारी गाड़ियां एक एक साल डिले होती चली गई, तो ये सारी गाड़ियां लेट हो गई। तो वही बात है फिर मैं यार अपने को स्कॉर्पियन तो लेनी है, तो एक साल मैंने हैरियर इसलिए ली थी। और हैरियर भी शायद मैं थोड़ा लंबा और रख लेता, लेकिन जो उसका मैनुअल में दिक्कत थी ना भाई चलाने की वो बहुत ही ज्यादा थी भाई, गोड्डा बना दिया था उसने तो भाई मारा। तो वही बात है, टोयोटा ले सकते हैं, टोयोटा में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भाई मैं स्कॉर्पियन को नहीं बेच रहा हूँ। भाई क्या होता है, दिक्कत सबकी गाड़ियों में आती है, ठीक है, जो यूट्यूबर्स नहीं हैं उनकी में भी आती है। जैसे मान लो जब मैं पहले यूट्यूब पर नहीं था तब भी गाड़ी में दिक्कत आ जाती थी, जैसे मुझे जाने के बाद पता लगा कि हाँ सर एक गाड़ी और आई थी हमारी वर्कशॉप में जिसके अंदर सेम यही प्रॉब्लम आई थी। तो भाई अब देखो ना सिर्फ इस वर्कशॉप के अंदर एक गाड़ी आई, तो ऐसी कितनी वर्कशॉप होंगी महिंद्रा की जहां पे ये प्रॉब्लम आई होगी उन गाड़ियों में, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुई। मैंने बताया तो वो हाईलाइट होगी, ये चीज होती है भाई, इस चीज से हमारे को पता लगता है। बाकी भाई जब टोयोटा लेना होगा या महिंद्रा की नई लेनी होगी या हमारे को थार 5 डोर लेने की हो तो जब भी लेने की मैं आपको बता ही दूंगा, है ना। फिलहाल तो मैं भाई दोबारा जा रहा हूँ एक बार महिंद्रा में। अभिषेक भाई आए हैं भाई मनाली से, तो भाई को गाड़ी की डिलीवरी करवानी है, तो अभी चलते हैं गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी का पीडीआई करेंगे, देख लेंगे घर गाड़ी। खैर गाड़ी मंगवा ली यहाँ शोरूम पे ही मंगवा ली थी क्योंकि यार अब थोड़ा सा लेट हो गया था, अंधेरा होने वाला है, तो मां दुबे जी गाड़ी इधर ही मंगवा लो। ले भाई पूरा सजादा दा दिया, क्यों कल से हो रहे हैं नवरात्रे। ये फायदा ना स्कॉर्पियो का, कहीं से भी चढ़ा दो कहीं से भी तार दो। देखा स्कॉर्पियन का फायदा क्या है अभिषेक भाई, हैं कितने तभी तार दो कहीं चढ़ा दो। और दीपक भाई क्या हाल है, लॉन्ग टाइम नो सी, हैं मतलब बड़ा सी हो गया, बड़ा सी हो गया। गाड़ी अच्छी लग रही है यार, थोड़ा सही सा मतलब भरा भरा चारा लग रहा है, पहले चूसा वाम सा हो रहा था। अच्छा ओहो हो, चलो कोई नहीं ठीक है ना, चलो कोई नहीं कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया पाड़ा घुमा के लाऊंगा। हाँ, आपकी दुकान देख ले लिया, गाड़ी गाड़ी ले ही रहे, चलो ले चलते हैं। और मैं कह रहा हूँ आपकी दुकान देख ले लिया हमने, वापस फिर लेके तरह सब तो पहुंच नहीं पाए ना, आपकी देख के लिए आया मैं ना ना, गाड़ी बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस हो गया था। फिर मैं गलत नहीं बताता भाई, गाड़ी जोन से भी गाड़ी की आपको सलाह दूंगा ना, बढ़िया दूंगा, कमी होगी तो कमी बताएंगे, सही होगी तो सही बताएंगे। आदमी मेंटल हो ना दिमाग से तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम चीज गलत नहीं बताते। हाँ। अब उसको खुद ही चलानी नहीं आती, बरतनी नहीं आती चीज, तो फिर क्या समझावे। बाकी तो यूट्यूब पे सब व्यूज के लिए चलते हैं। कल नवरात्र की पहली डिलीवरी हमारी गाड़ी की है, फिर है अर्ली मॉर्निंग है भाई, अर्ली मॉर्निंग लेनी है, 9-10 बजे आ जाएंगे शोरूम खुलते हम, है ना पानी बढ़िया ना दुखाऊंगे, पहला नवरात्र है। हाँ कुर्ता पजामा यह बात भी ठीक है। तो भाई आप समझ जाओ कुर्ता पजामा वाली गाड़ी ले जाए, क्योंकि एक बार देख लो लास्ट टाइम यहीं बैठती, यहाँ बैठा था इस तरह बैठा था कुर्ते पजामे में। हाँ जा खड़े, हाँ ऐसे ऐसे बैठे, ऐसे बैठे। जिस दिन हमने कुर्ते पजामे में किस गाड़ी ले लिया, जब आप गेस करके बताओ कि कौन सी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं। वर्कलोड देखो भाई महिंद्रा में कितना है, इस टाइम हम सर्विस बे में खड़े हैं, ये देखो कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, हैं कितनी गाड़ी बिकती हैं, है? और एक ये महाराज भी उसमें जुड़ गया महिंद्रा में है। खैर आप पहले टाटा रखते थे ना, टाटा और होंडा रखते थे आप,
हाँ एक महिंद्रा भी जस्ट आपने ली है, आपको महिंद्रा प्रणाम करेंगे, अब महिंद्रा प्रणाम उस फिल्म में महिंद्रा प्रणाम, अभी हम महिंद्रा इतनी छोड़ने वाले नहीं भाई, जैसे कहते हैं एक टाटा जरूरी है, हमारे घर में टाटा भी है एक महिंद्रा भी है, तो ये तो होनी चाहिए, अपना देश है भाई, अपने देश की कम से कम एक या दो गाड़ी तो होनी चाहिए, अगर आप दो तीन रखते हो तो उसमें से एक तो कम से कम आप इंडियन ब्रांड रखो रखते। तो भाई अभी हम ना गाड़ी स्टार्ट कराएंगे और फिर आप बताना कौन सी गाड़ी है, बाकी आपको पता लग जाएगा, करिए स्टार्ट, पता लगा क्या है, लाइट देखो कैसी जा रही है पीछे है? बस इतना दिखाऊंगा, पीडीए हमने गाड़ी का कर लिया है, गाड़ी हमने चेक कर ली, बिल्कुल ओके है, पीडीए में क्या क्या चीजें चेक करते हैं ये वीडियो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ठीक है ना। दो चार चीज और बता दे है? तो आप गेस कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी है, गाड़ी ठीक है बढ़िया। तो भाई गाड़ी की पीडीएफ वगैरह सारी चेक करा के तो मैं एक बार भाई घर आ गया हूँ, पता है किसके लिए, मैडम क्या बन रहा है, स्पेशल चूरमा, हा 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 भाई चूरमा, चूरमा तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, कल से स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्रे और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं नौ के नौ नवरात्रे रखूँ, सोच रहा हूँ अभी जस्ट सोच रहा हूँ, रख लो विराज हेलो कर रहा है, विराज हेलो कर रहा है, हेलो हेलो इसकी हेलो, और ये राइक लो, ये कैसे देख मुरझा रहा है भाई, सो के उठाया भाई, ये जखड़ गया भाई, भी भाई का चेक इन करवाने के लिए, मैं अभी पेंटर अंकल हमारे घर लगे हैं तो उनको भी संभाल रहा हूँ, भाई साहब डे नाइट शिफ्ट चला रखी है, पूरा काम खींच के ले रखा है, तो फटाफट काम निपटाना देना, अब आपको नहीं दिखाऊंगा, अब आपको कंप्लीट होने के बाद ही दिखाऊंगा, ठीक है, अभी हम चूरमा इंजॉय करते हैं, मैडम जल्दी बना लिया, मैं बना लूँ, वेट कर रहे हैं, नहीं चलो रहने दो, क्या याद करोगे, अरे यार तेरे तेरे राज में यार, तेरे हाथ में तो अच्छा लगता है मेरे पे यार, तो यार। उसको ये है ना कि पापा को मेहनत ना करने पड़े, इसलिए मम्मी आपके हाथ में अच्छा लगता है। लो जी अपना देसी खाना रेडी है, चूरमा दूध दूध चूरमा, अब ज्यादा बातें नहीं करते, एंजॉय करते हैं, कैसा लगा एक लगा चूरमा, मजा आ रहा है ना, बताओ भाई कैसा है, कैसा है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, विराज खा रहा है दही के साथ है, विराज अच्छा भाई पराठा भी खा रहा है, चूरमा भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, तीनों चीज खा रहा है, चलो भाई एंजॉय करते हैं, ठंडा हो जाएगा, खाते नहीं है, लस्सी पीते हैं, चूरमा निपटा लिया, दूध पी लिया, एंड भाई अभी हम पहुंच गए माफिया पे, की हाल है, गड्डी ले रहे हैं कल डिलीवरी, शाम को गड्डी तुम्हारे को, ये सारे भाई साहब है, रे बजरंगबली, सबको भाई गाड़ी का नाम बताने का ना बहुत तगड़ा शौक है ना, गाड़ी इतनी फेमस है, रुका ही नहीं जा रहा है, ठीक है, बाकी भाई फेमस ही इतनी हो चुकी है, गाड़ी फेमस इतनी हो चुकी है भाई, ठीक है, बाकी आपको कोई पता लगी जाओ, इतना तो महिंद्रा वाला ने प्रमोट किया था, हमने कर दिया उसको, माफिया में बहुत ज्यादा आती है वो गाड़ी, अब आप इसी सिलेंडर आ जाए, खड़ी है ना ये पीछे भाई, लास्ट मोमेंट पे याद आ रही है, याद आया कि हेयर कट भी करा लो, फिर 9 दिन तो हेयर कट होना नहीं, फटाफट फोन किया नफर भाई को, मैं कट कर दे यार, चलो भाई से करा के चलते हैं, शानवास पर निकल गया पहले ही, साइड से तो हो गया, अभी ऊपर से बात किया भाई, अच्छे से कर देना ऊपर से, हेयर कट हो गया और भाई गाड़ी बदल गई, मैं आ गया भाई एक्स्ट्रा के अंदर, एक्स्ट्रा अपनी मेंटेनेंस पे थे ना, तो मेंटेनेंस ओके होगी, वो पैसेंजर साइड डेंट आया था ना, तार बाइक वाले को गिरा के चला गया था, तो वो भी अपना निकल गया, ड्राई डेंट से ही काम चल गया, अंदर डैम्पिंग भी करा के था, तो ज्यादा अंदर तक का इम्पैक्ट था नहीं, तो नहीं तो भाई चादर तो आपको पता ही है थोड़ी सी होंडे की और मारुति की पतली होती है, अब एक्स्ट्रा को घर खड़ी करेंगे और फिर भाई हम कौन सी गाड़ी में, अभी हम जगुआर में आ गए, जखड़ वाली में, तो अभी अपन स्कॉर्पियो को उठाएंगे, मैं अभी भाई एक्स्ट्रा को घर छोड़ने के लिए गया था ना, एक बंदा एक टाइम पे की गाड़ी चला सकता है ना, अब ये बेचारे कहां फंस गए, आपको प्रणाम प्रणाम साहब, ये कह जाखड़ कह रहा है भैया एक क्राइम करना उसे मेरा साथ दे दो आप, मैं गलत काम तो साथ दूंगा भी, अरे नहीं हाँ। क्राइम तो कभी कभी करना पड़ जाता है क्योंकि लोग ना बहुत शरीफ समझ रहे हैं, अच्छा हाँ मतलब यूं समझ रहे हैं कि जैसे उन्हें सारा ज्ञान है, अच्छा नहीं है, जहाँ उसकी जरूरत होती है वही ठीक है, मैंने सुनी है चलो छोड़ो बालक है पिट जाएंगे चलो कोई नहीं भाई, अपनी स्कॉर्पियो उठाते हैं कॉफी पीने चलते हैं, तो आप जानते ही हो कल भाई डिलीवरी ले अभिषेक बच्चन है भाई को तो आप जानते ही हो भाई, अभिषेक बच्चन है, इनके पापा का नाम अमिताभ बच्चन है और इनके मदर का नाम श्री जया बच्चन है और इनके सिस्टर का नाम तो मेरे को पता नहीं, इतनी एनर्जी समझ सकते हो जाखड़ में कब आती है, टोस्टी का पिज्जा डोले।
भाई टोस्टी ने पिज्जा खाकर कितना खा खाया, मार्केट का खाया टोस्टी ने, हमने शेयर किया एक छोटा पिज्जा लिया था। रैंड दे जाकर तेरा छोटे में क्यों हुआ है, लिटिल लिटिल में ऐसा कुछ ना हो भाई, ये तो लार्ज पिज्जा वाला है। जाकर नहीं बोलता झूठ, खुल्लम खुल्ला कह रखी है भाई, डाइटिंग करता हूँ लेकिन बीच में मजे भी करता हूँ। ठीक है भाई, तीन पिज्जा, तीन पिज्जा, तीन पिज्जा एक टाइम। यार भाई हमारे लिए इतनी दूर से आए, 2500 किलोमीटर से दूर, हम एक पिज्जा नहीं खा सकते? सही तगड़ा बना टोया है भाई। परम भाई कैसा है मेरे भाई? का भाई किसका भाई है? आधे पौने घंटा, मतलब कितना, एक घंटा हो गया भाई, एक घंटे से वेट करा रखा है तुमने, मतलब लेट तो हुआ तेरे पीछे से गाड़ी आई जो ये है लेट। तो बता मेरी जिंदगी में कितना प्रॉब्लम तेरे को मालूम क्या है? नहीं मालूम ना, भाई काम बोल रहे हैं ना, हम काम बोलते कर सकता है यार, इंसान तब से भाई साहब मैं चढ़ा दी ने कुतिया दाब दी कुत्ता ही बाज लिया, तोड़ दी भाई टांग तोड़ दी। ओहो हो इसमें चढ़ा दी गए, अच्छा इसी तो 10-15 चढ़ी है। अरे किस पे गाड़ी चढ़ा दी तुमने? एक काले कुत्ते पे चढ़ा दी तुमने गाड़ी? तो भाई हम तो एंजॉय कर रहे हैं भाई अपना कस्कारा का चस्कारा। तो करो एंजॉय, किसने रोका तुम्हें? अबे तुम भाई क्या बोले भाई, भाई अपना, अबे भाई बोल रहा हूं भाई ऐसा है भाई, मैं गवीश भाई को थोड़ा मिस कर रहा हूँ। अभिषेक भाई लेके नहीं, क्यों नहीं लेके गवीश को साथ में? आप ले लेते हो फिर जा कर दो भाई टोस्टिन पिज्जा खा गया, इतना चार्ज हो रहा है, टांगे देख लो इसकी कहाँ जा रही है। 6 किलोमीटर की रेंज रहेगी थी 52.6, खैर वो जो रेंज खत्म हो जाता है उसके बाद भी बहुत फ्यूल होता गाड़ी में। ठीक है कार्ड है निकाल लो, 4742.78 4742.78 का डीजल आया गाड़ी। और भाई ने तो मजाक कर दिया था मेरे साथ, बोला भाई साहब पेट्रोल डाल दू, डीएफ दिखा नहीं भाई ने, भाई कह रहा है मैं चढ़ा ली भाई ने लग। मैं कैमरे में बोल देता हूँ ठीक है, ब्रेकफास्ट इकट्ठा करेंगे ठीक है, अभी आप आराम करो, सो थके हो, लंबी फ्लाइट ले से फ्लाइट आई है भाई आंखों में नींद भरी पड़ी है, चलो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। तो भाई को भाई होटल ड्रॉप कर दिया, सुबह पिक करेंगे भाई को, एंड भाई जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज थी गाड़ी लेने की जो होती है वो सारी आज कंप्लीट कर दी, तो ये होना कल डिलीवरी वाले दिन ना ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। गाड़ी कौन सी है वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा यार, नहीं पता लगा है वेरिएंट तो नहीं सिलेक्ट कर पाए होगे गाड़ी का, अगर पता लग गया होगा तो कोई बात नहीं, कल पता लग जाएगा आपको कौन सी हम गाड़ी ले रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें लगेंगी। मॉडिफिकेशन तो होंगे ना भाई, अब गाड़ी इतनी दूर जाएगी यहाँ से, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज होंगी ठीक है ना। और हफ्ते में एक दो व्लॉग मैं इसीलिए डालता हूँ कि काफी भाई बोलते हैं विक्रम भाई आप ऐसे व्लॉग भी ना डाला करो, अच्छा लगता है यार दोस्तों से मिलते हो, भाई आते हैं गाड़ी ले रहते हो ये वो, मतलब जो भी जैसे भी होता है ये सारी चीज आप बताया करो। एंड भाई स्कॉर्पियन अभी नहीं बिक रही है, जिस दिन बिकेगी खुला बताऊंगा, क्लियर बोल दूंगा कि हाँ अब गाड़ी अपनी बिक रही है। बहुत मेरे को मेल भी आई हुई है कि विक्रम भाई अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो तो प्लीज मुझे भेज दो, कोई भाई कर्नाटका से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो भाई गुजरात से हैं, तो भाई अभी तो नहीं बेच रहा हूँ, जिस दिन बेचूंगा जरूर बताऊंगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, गुड नाइट। एंड कमेंट बॉक्स में बता देना फिर भी भाई कैसे व्लॉग चाहिए होते हैं, मतलब जो फन वाले कई बार होते हैं यार, ऐसा ना कि 30 वीडियो आते हैं उसमें से अगर 5 वीडियो फन वाले हुए और 25 नॉलेजेबल हुए तो बता देना भाई इतना ठीक है नहीं है, कहोगे तो भाई 30 के 30 नॉलेजेबल बना देंगे, लेकिन महीने के सारे फन वाले व्लॉग नहीं दे सकता भाई, चैनल में अगर नॉलेज नहीं है तो मजा नहीं है ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया, गुड नाइट, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।